tried to unravel the gory details. We had to face this and were forced to walk away. The officials didn't allow us inside. Not they were ready to divulge any details or answer our queries. So we tried to capture the demon from the outside. The wheel of fortune has taken a wrong turn. पहले तो जब ना जब ये बैराज नहीं बना जब तो साफ पानी आता था इसमें साफ पानी आता एकदम जब तो अपने इसी में से कर लेते थे ये ढेका भी खोलते लेते थे उसमें भी काम चल जाता लेकिन जब से ये बैराज बना और गुजराबाद के ऊपर ही साफा पानी है उससे नीचे नीचे से सारा दिल्ली का जो गंदा है इसमें सब नहीं करते सुबह में तो पानी या नलका यूज करें। अच्छा, और ये गंदा हुए हुए कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया? ये समझ लो 84 में पुल बना था जब से करती है तब से गंदा ही हो गया। पहले साफ रहता था, पहले पानी आता था, चलता रहता था, पहले साफ पानी था, यहाँ गड्ढे थे, भैंस गाय वह सब बड़ा बढ़िया साफ पानी रहता था। लेवल भी नीचे हो गया इसका? हाँ, जमुना छोटी होगी, बहुत बड़ी जमुना चढ़ती थी, घर से दिख जाती थी, इतनी बड़ी जमुना चलती थी पहले। और कुछ सुधार उधार हुआ है उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बारिश के दिनों में क्या अभी थोड़ा बढ़ता है? बारिश के दिनों में थोड़े दिन 3-4 महीना जमुना साफ रहती है, जब तक यह अच्छा लगता है नहाने में भी धोने, उसके बाद ये पता नहीं अचानक कहाँ से पानी आ गया। अब बीच में जो झाग हैं ये गंदगी की वजह से हैं। अगर ये झाग नहीं है तो समझ लो पानी साफ है, अगर पानी झाग है तो गंदा है। आपने बोला वो मछली का करते ना है? मछली तो वो जाले वही है मछली के? मछली का काम तो उसमें होता है ना अगस्त में बरसात के टाइम में। अच्छा, अभी ये चल रहा है, इसके बाद देखेंगे इसमें मछली है या नहीं है। अब इसमें दो ही मछली, गंदे पानी में दो ही मछली रह सकती है, मांगूर और सिंगी वगैरह सॉली, और जो अच्छी मछली है रोहू कतला वो मर जाएगा। अच्छा, क्योंकि गंदी वजह की वजह से मर जाए। तो फिर से बांध से भी तो बहुत होता है? बांध से तो कुछ नहीं है, बांध तो इसलिए बना रखा है कि नहर में देते हैं ना पानी हो जाता है जो। भैया हमने देखा कि कुछ लोग यही नहा रहे थे इसी में, तो नहाने से कुछ? देखो ऐसे है, नहाने से अब तो पानी चल रहा है, चलता पानी वैसे कभी गंदा नहीं होता है, बढ़िया रुक जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाकर नहा। जो किसी ने बताया है पंडित जी ने भी नहाना आया, जैसे गंगा जी में नहीं नहा रहे हो, कुंभ का मेले में कितने लोग स्नान करते हैं, तो वो कुंभ तो नहीं जा सकते तो जमुना में नहा लेंगे, तो जमुना रो इसलिए नहाना पड़ता ना उन्होंने। द अबैंडन्ड बोट्स ऑफ द नेटिव फिशरमैन, द स्काईस्क्रेपर्स ऑफ द अर्बन मॉन्स्टर्स आर अ विटनेस टू द पैराडाइम शिफ्ट वी हैव गॉन थ्रू। Fishes are dying even before they are caught in the nets, and so are the natives who are dependent on them. Even the idols of gods and goddesses are waiting for their turn to drown in the dark water of Yamuna and make it even more darker. Then we march towards the Kalindi Bird Sanctuary to know the fate of the poor birds who migrate here. Here we had a chat with an official who wasn't ready to come on the record. But still, he told us that the ecosystem here is getting disturbed due to the Yamuna water getting polluted. Migratory birds relying on clean water are facing several challenges. In fact, some birds like Siberian cranes, pelicans and flamingos have stopped visiting here. Fishes are already dead. Let us hope that the birds don't fly away. Let us also hope someday these children can behold the old Yamuna which was worshipped by their ancestors.